आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड 350 की, जिसमें कि ये कैसा दिखता है, कंट्रोल इसका कैसा है, लाइट या फिर कह सकते हैं इसके कि मिरर्स कैसे हैं, वाइजर क्या है और स्ट्रक्चर इसका एग्जॉस्ट साउंड क्या है। तो चलिए आज आपको मैं इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को बताता हूँ, एक्सप्लोर कराता हूँ रॉयल एनफील्ड 350 को। सबसे पहले दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस गाड़ी के को काफ़ी अच्छा है, आपको वाइज़र मिलता है। ये वो वाइज़र है जो कि आप इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं। एक तो फायरबॉल आता है जो कि बेस वेरिएंट माना जाता है, उसके ऊपर स्टीलर आता है, उसके ऊपर जो आता है सुपरनोवा आता है। सुपरनोवा में दो तीन कलर्स आते हैं जिसमें से ये है सुपरनोवा ब्लू कहा जाता है, ठीक है। तो जो बेस वेरिएंट के ऊपर का जो अब वेरिएंट है ये सुपरनोवा वेरिएंट जो है उसमें ही ये वाइज़र आपको मिलेगा पहला। दूसरा दोस्तों आप यहां देखेंगे कि आपको यहां पर डायमंड कट एलॉय व्हील्स है, तो ये भी आपको सुपरनोवा में ही मिलता है। बाकी जो दो वेरिएंट्स है उसमें आपको ब्लैक एलॉय व्हील मिलते हैं, डायमंड कट सिर्फ इसमें मिलेगा। बाकी जो कंसोल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंसोल पहले जो था दो कंसोल हमें मिलता था, एक ट्रिपर नेविगेशन के लिए मिलता था जिसमें मैपिंग और चीज़ें हैं। अभी कंपनी की तरफ से वो फिटेड नहीं आ रहा है, तो एक ही कंसोल आपको मिलेगा और कंसोल तीनों वेरिएंट में सेम है। आपको ये दो लुकिंग ग्लास या फिर रियर मिरर्स कर सकते हैं वो मिलता है, आपको ये फिटेड सीट्स मिलते हैं। आप अगर अलग कलर्स में लेंगे तो ब्लैक आएगा और ये जो कलर है सुपरनोवा ब्लू इसमें ये ब्राउन वाला आता है। उसके बाद आपको मैं बताऊँ, ये जो लेग गार्ड है ये आपको अलग से लगाना पड़ता है और इसकी कीमत नियर अबाउट 4,500 के आसपास वो लेते हैं। बाकी आपको C8 का टायर्स मिलता है और ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, वो सब आप देख ही रहे हैं। बाकी इसकी जो लाइटिंग है दोस्तों, वो लाइटिंग हेलोजन पे ही है और पीछे की जो शायद बैक लाइट है वो रिंग लाइट है। और बाकी यहाँ पे आपको एक रिंग लाइट मिलता है, आप देखेंगे, जो कि अंधेरे में आपको ये समझ में आता है, फिर भी अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी इस गाड़ी में और आपको मैं अगर कुछ बताऊं, अगर एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो चलिए वो भी हम सुनते हैं एक बार। ये आपको क्लासिक टाइप का काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं कि स्विच टाइप का दिया गया स्टार्ट करने के लिए, इंजन किल स्विच जिसको कहते हैं। अब आप सुनेंगे इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो काफ़ी ठीक ठाक सा साउंड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक बार आपको मैंने अभी सुनाया है, अब मैं आपको ये चलते हुए एक बार सुनाता हूँ कि इसकी साउंड क्या होगी, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको लास्ट तक सुना देता हूँ कि इसकी गाड़ी की साउंड चलते हुए में कैसे रहती है। बाकी ओवरऑल आप एक देख सकते हैं इसका पूरा लुक, जहाँ पर भी गाड़ी खड़ी होती है ना दोस्तों, वहाँ पर अपनी छाप छोड़ आती है। एक तो इसकी जो कलर है वो काफ़ी प्यारी है और दूसरा ब्रांड है और तीसरी बात गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी और हैवी और बल्की लगती है, ठीक है। तो जब चलते हैं तो भी आप एक अलग ही माहौल और भावकाल आपको बना रहता है। चलिए एक बार आपको लास्ट तो एक बार सुना दूं कि इसका चलते हुए में आवाज़ कैसा है।